तो देखो यार, MSTP को स्टार्ट करने से पहले लोग डिस्कस कर लेते हैं। हमने अभी तक जो प्रोटोकॉल देखे हैं, STP के जो टाइप देखे हैं वो कौन कौन से हैं? CST था, PVST एंड PVST प्लस था। देन हम लोगों ने बात करी थी RSTP के बारे में, देन PVST प्लस के बारे में, ठीक है। ये STP के टाइप थे नॉर्मली तुम्हारे ना। ये आपका ओपन स्टैंडर्ड था, इसमें सिंगल इंस्टांस ऑफ STP रन होता था। ये आपके सिस्को प्रोप्राइटरी थे, इसमें पर विलन इंस्टांसेस बनते थे, है ना। बट यहाँ पे इन दोनों में प्रॉब्लम क्या थी, ये आपका डिफरेंट, ये सिस्को वेंडर डिवाइसेस में यूज हो रहे थे, और सिस्को वेंडर डिवाइस में PVST प्लस चल रहा होता था एक्चुअली ना। तो प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पे इन दोनों में, CST में और PVST में, इनका जो कन्वर्जेंस था वो क्या था, स्लो था। तो कन्वर्जेंस को फास्ट करने के लिए फिर हमारे पास में क्या आ गया, RSTP आ गया। RSTP आपका ओपन स्टैंडर्ड है, डिफरेंट वेंडर के डिवाइसेज में आपको इसके सपोर्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये जो है वो आपका सिस्को प्रोप्राइटरी है। अब यहाँ पे क्या है, RSTP के अंदर नंबर ऑफ इंस्टांसेस कितने बनेंगे, सिंगल इंस्टांस ऑफ STP रन होगा, और यहाँ पे पर विलन इंस्टांसेस बनेंगे। जितने नंबर ऑफ विलन होंगे उतने नंबर ऑफ STP के RSTP के इंस्टांसेस बनते हैं यहाँ पे, ठीक है, सिस्को डिवाइसेस के अंदर। और हम लोगों ने बात करी थी सिर्फ सिस्को डिवाइस ही ऐसा है जो कि पर विलन इंस्टांसेस को क्या करता है, सपोर्ट करता है। बाकी वेंडर डिवाइसेस जो हैं वो आपके सिंगल इंस्टांस ऑफ STP रन कर रहे होते हैं, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे कन्वर्जेंस क्या हो गया, फास्ट हो गया, और यहाँ पे कन्वर्जेंस क्या था, स्लो था, ठीक है, ऐसे ही होता था। कन्वर्जेंस को फास्ट करने के लिए हमारे पास में क्या आ गया था, RSTP प्रोटोकॉल आ गया था, और RSTP डिफरेंट वेंडर के डिवाइसेस में आपका RSTP चलता था, जिसमें सिंगल इंस्टांस ऑफ STP रन होता था तुम्हारा, और सिस्को डिवाइसेस में आपका PVST प्लस चल रहा होता था, जिसमें जितने नंबर ऑफ विलन होंगे उतने नंबर ऑफ क्या बनेंगे, इंस्टांसेस बनेंगे। यहाँ एक जो प्रॉब्लम थी कन्वर्जेंस की, वो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गई थी। कन्वर्जेंस क्या हो गया था, फास्ट हो गया था, विद इन 1 सेकेंड एक वेल डिजाइन नेटवर्क को वो विद इन 1 सेकेंड क्या कर लेता है, कन्वर्ज कर लेता है RSTP। समझ में आ गई बात, इन चीज क्लियर है। तो देखो यार, अब RSTP में एक प्रॉब्लम रह गई थी, कौन सी प्रॉब्लम, कन्वर्जेंस तो फास्ट हो गया था, बट यहाँ पे जितने नंबर ऑफ विलेन होंगे उतने नंबर ऑफ क्या बनते थे, इंस्टांसेस बनते थे RSTP के अंदर, ठीक है। जितने नंबर ऑफ विलेन होंगे उतने नंबर ऑफ क्या बनेंगे, RSTP के क्या बनेंगे, इंस्टांसेस बनेंगे। तो प्रॉब्लम क्या आएगी, उसका CPU यूटिलाइजेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और लिंक पे आफ्टर एवरी 2 सेकेंड नंबर ऑफ BPDUs कितने जा रहे होंगे, जितने नंबर ऑफ विलेन होंगे। अगर अब मेरे पास में एक स्विच पे RSTP चल रहा है, RPVST प्लस चल रहा है सिस्को डिवाइस की अगर मैं बात करूं, और ये आपका ट्रंक लिंक है, और इस स्विच पे नंबर ऑफ विलेन कितने बने हुए हैं, 1 to 100। तो ये स्विच नंबर ऑफ इंस्टांसेस कितने रन कर रहा होगा, 100 इंस्टांसेस रन कर रहा होगा, और हर एक इंस्टांस के लिए क्या भेज रहा होगा, एक VPDU भेज रहा होगा आफ्टर एवरी 2 सेकंड इस लिंक पे। तो क्या होगा, ये आपका जो डिवाइस है वो आफ्टर एवरी 2 सेकंड एक 100 नंबर ऑफ BPDUs जनरेट करेगा, तो इसका CPU यूटिलाइजेशन जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और इस लिंक पे आफ्टर एवरी 2 सेकंड 100 नंबर ऑफ BPDUs आ रहे होंगे, तो इस लिंक पे क्या रहेगा, कंजेशन भी रहेगा। समझ में आ रही है बात। बट अगर मैं बात करूं RPVST प्लस की, RPVST प्लस लोड बैलेंसिंग सपोर्ट करता था। RPVST प्लस क्या करता है, लोड बैलेंसिंग सपोर्ट करता है। लोड बैलेंसिंग कैसे सपोर्ट करता है, ये जैसे आपके पास में यहाँ पे दो स्विचेज हैं ये, और इन दोनों स्विचेज के बीच में ये स्विच टू है, ये दो लिंक है हमारे पास में। तो स्विच वन ही लेट सपोज क्या बना हुआ है, रूट ब्रिज बना हुआ है फॉर 100 VLANs, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, ये वाला ये पोर्ट DP है, बाय डिफॉल्ट क्या होगा, ये वाला पोर्ट क्या बना होगा,
आरपी, पोर्ट नंबर क्या है, ये 0/21 है और ये पोर्ट नंबर क्या है 22 है, और ये वाला पोर्ट आपका क्या होगा डिस्कार्डिंग स्टेट में होगा, अल्टरनेट पोर्ट होगा। VLAN 1 to 100 ये वाला पोर्ट क्या बना हुआ है आरपी बना हुआ है, सभी का डेटा इसी वाले लिंक से क्या करता था, VLAN 1 to 100 सभी का डेटा इसी वाले लिंक से क्या करता था मूव करता था, बट हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते थे लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करवा सकते थे, हम लोग क्या कर सकते हैं इस वाले पोर्ट पे VLAN 1 to या फिर मैंने VLAN 51 to 100 के लिए मैंने यहाँ पे इस वाले पोर्ट पे कॉस्ट कितनी कर दी 18 कर दी। तब होगा क्या यहाँ पे VLAN 51 का BPDU दोनों पोर्ट पे आएगा, इस वाले पोर्ट पे लोअर कॉस्ट से आ रहे हैं तो वो क्या है आपका सुपीरियर BPDU है, तो ये वाला पोर्ट क्या बन जाएगा 51 के लिए आरपी और ये वाला पोर्ट क्या हो जाएगा ब्लॉक। तो हम लोग क्या कर सकते हैं दोनों लिंक को यूटिलाइज कर सकते थे ना, तो इस वाले लिंक से VLAN 1 to 50 का डेटा मूव करेगा और VLAN 51 to 100 VLANs का डेटा इस वाले लिंक से मूव करता था ना, हम दोनों लिंक क्या कर पा रहे थे यूटिलाइज कर पा रहे थे, बात आ रही है समझ में। बट लॉजिकल टोपोलॉजीज कितनी बन रही है 100. दो लॉजिकल टोपोलॉजीज कितनी बन रही है दो ही बन रही है ना, 100 VLANs के लिए लॉजिकल टोपोलॉजी क्या रहेगी सॉरी 150 VLANs के लिए लॉजिकल टोपोलॉजी क्या बनेगी, लॉजिकल टोपोलॉजी कुछ ऐसी रहेगी कौन से VLANs के लिए 1 to 50 VLANs के लिए लॉजिकल टोपोलॉजी क्या रहेगी पोर्ट ये दोनों क्या रहेंगे डीपी, ये वाला पोर्ट क्या रहेगा आरपी और ये वाला पोर्ट क्या रहेगा, तो एक तो ये लॉजिकल टोपोलॉजी बन गई सभी VLAN के लिए VLAN 1 to 50 के लिए ठीक है, एक और लॉजिकल टोपोलॉजी बनेगी आपके यहाँ पे कौन से VLANs के लिए VLAN 51 to 100 VLANs के लिए स्विच 1 है एंड स्विच 2, ये वाला पोर्ट डीपी रहेगा, ये वाला पोर्ट डीपी रहेगा, ये वाला पोर्ट तुम्हारा ब्लॉकिंग स्टेट में चला जाएगा और ये वाला पोर्ट तुम्हारा आरपी बन जाएगा, एक ये आपकी लॉजिकल टोपोलॉजी बनेगी, ये आपकी बनेगी VLAN 1 to 50 VLANs के लिए और ये बनेगी 51 to 100 के लिए। नंबर ऑफ लॉजिकल टोपोलॉजीज कितनी बन रही है दो, बट BPDUs कितने जनरेट हो रहे हैं 100 BPDUs जनरेट हो रहे हैं आफ्टर एवरी, मतलब STP की प्रोसेस कितनी चल रही है एसटीपी के प्रोसेस चल रही है 100 प्रोसेस चल रही है, हर एक VLAN के लिए एक प्रोसेस चल रही है, और लॉजिकल टोपोलॉजीज कितनी बनी हुई है सिर्फ दो बनी हुई है, तो दो प्रोसेस चलनी चाहिए यहाँ पे, दो प्रोसेस में हमारा काम चल जाएगा, जो बाकी प्रोसेस चल रही है वो CPU यूटिलाइज कर रही होगी इन डिवाइसेस का इस डिवाइस का, और ये फिजिकली तो एक ही डिवाइस है, मैंने इसको लॉजिकली क्या कर दिया दो टोपोलॉजी बन गई है यहाँ पे है ना, एक्चुअली ये है ना टोपोलॉजी है तुम्हारी, अरे ये दो लॉजिकल टोपोलॉजी बन चुकी है यहाँ पे ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे RPVST प्लस जो है वो लोड बैलेंसिंग तो सपोर्ट करता है बट यहाँ पे CPU यूटिलाइजेशन ज्यादा थी है ना, और लिंक पे आफ्टर एवरी 2 सेकंड हेलो मैसेजेस आ रहे BPDU मैसेजेस आ रहे होंगे, कितने नंबर ऑफ BPDU मैसेजेस आ रहे होंगे 100 BPDUs में जा रहे होंगे ना, तो ये प्रॉब्लम है किसमें RPVST प्लस में, और RSTP में क्या प्रॉब्लम है वो बात कर लेते हैं। ये तो प्रॉब्लम आ रही थी कि कौन से डिवाइसेस में सिस्को वेंडर के डिवाइसेस में कि जितने नंबर ऑफ VLAN होंगे उतने नंबर ऑफ इंस्टेंसेस बनेंगे है ना, लॉजिकल टोपोलॉजी वहां पे जैसे मैंने एग्जांपल दिया 100 नंबर ऑफ VLAN है उनके लिए लॉजिकल टोपोलॉजीज कितनी बनाई हुई थी सिर्फ दो, स्टिल जो इंस्टेंसेस रन हो रहे थे एसटीपी के कितने हो रहे थे 100, ये तो प्रॉब्लम थी किसकी सिस्को डिवाइसेस की, सिस्को डिवाइसेस पे ही होता है क्योंकि वहां पे क्या चल रहा होता है RPVST प्लस चल रहा होता है। अगर मैं बात करूं डिफरेंट वेंडर के डिवाइसेस की वहां पे क्या चल रहा होता है RSTP चल रहा होता है, RSTP चल रहा होगा, तो यहां पे नंबर ऑफ इंस्टेंसेस कितने बनेंगे एक सिंगल इंस्टेंस ऑफ STP रन होगा, तो ये वाला पोर्ट क्या हो जाएगा DP, ये वाला पोर्ट क्या हो जाएगा DP, ये वाला पोर्ट क्या हो जाएगा RP और ये वाला पोर्ट क्या हो जाएगा फ्लॉप। नंबर ऑफ VLAN कितने हैं 100, इंस्टेंसेस कितने बनेंगे एक, CPU यूटिलाइजेशन तो नहीं हो रही है बट यहां पे आप लोड बैलेंसिंग अचीव नहीं कर पा रहे हो। इन दोनों में कन्वर्जेंस क्या है, सिस्को डिवाइसेस में आप RPVST प्लस यूज कर रहे हो, कन्वर्जेंस तो फास्ट हो गया बट CPU यूटिलाइजेशन ज्यादा है, आप डिफरेंट वेंडर के डिवाइसेस में क्या यूज कर रहे हो RSTP, वहां पे कन्वर्जेंस फास्ट है बट वो लोड बैलेंसिंग को सपोर्ट नहीं करता।
तो ये सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में कौन सा प्रोटोकॉल आ गया, अब MSTP प्रोटोकॉल आ गया। तो MSTP के बारे में बात करेंगे, ये सभी प्रॉब्लम को वहां पे सॉल्व कर दिया गया। MSTP बोल दो, MSTP बोल दो, बातें क्या। मल्टीपल स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल, इसका IEEE स्टैंडर्ड जो है वो क्या है, 802.1S, ठीक है। और ना MSTP प्रोटोकॉल है ना, सिस्को वेंडर के अंदर भी MSTP प्रोटोकॉल ही चल रहा होता है, ये ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल चल रहा होता है, MSTP ही चल रहा होगा। MSTP का कोई सिस्को प्रोप्राइटरी नहीं है, जैसे यहां पे था ना CST का सिस्को प्रोप्राइटरी क्या था, PVST प्लस। RSTP का सिस्को प्रोप्राइटरी क्या था, RPVST प्लस। बट यहां पे ऐसा नहीं है, सिस्को वेंडर में भी क्या चल रहा होता है, MSTP ही चल रहा होता है। इतनी चीज क्लियर है, ओके। इसी में मेंशन करना, बाय डिफॉल्ट इट वर्क्स सेम एज CST। ये बाय डिफॉल्ट CST की तरह वर्क कर रहा होता है। CST की तरह क्यों वर्क कर रहा होता है, इससे क्या मतलब है, मतलब जितने यहां पे बाय डिफॉल्ट एक ही इंस्टांस ऑफ STP रन हो रहा होगा, यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या है आपके पास में, बाय डिफॉल्ट ये CST की तरह काम करता है। क्यों, इसमें लिखना बाय डिफॉल्ट, इसमें एक और लाइन ऐड करना, बाय डिफॉल्ट ओनली वन इंस्टांस एग्जिस्ट, ओनली वन इंस्टांस एग्जिस्ट, ठीक है। बाय डिफॉल्ट एक ही इंस्टांस वहां पे एग्जिस्ट कर रहा होता है, एंड ऑल द VLAN विल बी मैप्ड इनटू दैट इंस्टांस। जितने भी नंबर ऑफ VLAN होते हैं वो सारे के सारे मैप्ड होते हैं किस इंस्टांस में, उसी इंस्टांस में। और वो इंस्टांस कौन सा होता है आपका, इंस्टांस जीरो। इतनी बात समझ में आ गई, अब इससे क्या मतलब है वो समझ लेते हैं। तो यहां पे प्रॉब्लम क्या थी, डिफरेंट वेंडर के डिवाइसेस में RSTP चल रहा था, सिंगल इंस्टांस ऑफ STP रन हो रहा था। यहां पे जितने नंबर ऑफ VLAN थे उतने नंबर ऑफ क्या बन रहे थे, STP के इंस्टांसेस बन रहे थे, ठीक है। तो अब क्या आया हमारे पास में, MSTP में क्या हुआ, स्विच वन एंड स्विच टू, बाय डिफॉल्ट एक ही इंस्टांस रन हो रहा होगा, इंस्टांस जीरो। और जितने भी VLANs होते हैं, VLAN 1, 2, 4, 0, 9, 4, वो सारे के सारे इसी इंस्टांस में मैप्ड होते हैं। यहां पे भी बाय डिफॉल्ट एक ही इंस्टांस रन हो रहा होगा जीरो, और जितने भी VLAN है वो मैप्ड होंगे किसमें, इंस्टांस जीरो में। इन दोनों स्विचेस पे क्या चल रहा है, MSTP प्रोटोकॉल चल रहा है। और इस इंस्टांस जीरो को हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग यहां पे क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इंस्टांसेस बना सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंस्टांसेस बना सकते हैं। लेट्स सपोज स्विच वन पे नंबर ऑफ VLANs कितने बने हुए हैं, 1, 2, 100। यहां पे भी नंबर ऑफ VLANs कितने हैं,
VLAN 1 to 100 नंबर ऑफ VLAN बने हुए हैं दोनों स्विचेस पे, ठीक है। उठा लो, आज वीडियो कॉल वाला भाई नहीं आया ना, ओके। बाय डिफॉल्ट एक इंस्टांस रन हो रहा होगा और इस इंस्टांस की ब्रिज आईडी क्या रहेगी, 32768 प्लस इसका मैक एड्रेस, और इस इंस्टांस की ब्रिज आईडी क्या रहेगी, 32768 प्लस 0B, यही होगा, ठीक है। रूट ब्रिज कौन बनेगा इस इंस्टांस के लिए, स्विच वन क्या बन जाएगा, रूट ब्रिज, ऑब्वियसली बात है यही होगा ना यार। एक्चुअली क्या हो रहा होगा, स्विच वन पे नंबर ऑफ इंस्टांसेस कितने हैं, एक सिंगल इंस्टांस है, एक BPDU भेजेगा इस इंस्टांस का, इंस्टांस जीरो का, उसमें अपनी ब्रिज आईडी लगा के भेज रहा होगा, और स्विच टू क्या करेगा, स्विच टू भी अपना BPDU भेज रहा होगा। सुपीरियर BPDU किसको रिसीव होगा, स्विच टू को, स्विच टू अपने आप को रूट ब्रिज इन्फॉर्म करना, अनाउंस करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। रूट ब्रिज अब कौन बनेगा, स्विच वन, और स्विच टू को इस वाले पोर्ट पे क्या रिसीव होगा, एक सुपीरियर BPDU, तो ये वाला पोर्ट क्या बन जाएगा, RP, और ये वाला पोर्ट क्या हो जाएगा, DP, और ये वाला पोर्ट DP किसके लिए बना हुआ है, इंस्टांस जीरो के लिए, और इंस्टांस जीरो में VLAN कौन कौन से मैप्ड है, 124094, मतलब ये वाला पोर्ट DP बना होगा फॉर ऑल VLANs, ये वाला पोर्ट RP बना हुआ है किस इंस्टांस के लिए, इंस्टांस जीरो के लिए, और इस इंस्टांस में कौन कौन से VLAN मैप्ड है, VLAN 124094, मतलब फॉर ऑल VLAN ये वाला पोर्ट आपका क्या बन जाएगा, RP। तो बाय डिफॉल्ट यहां पे देख लो, बाय डिफॉल्ट जो MSTP है वो कैसे वर्क कर रहा है, एज ए CST वर्क कर रहा है, समझ में आ रही है ना बात, इतनी चीज क्लियर है ना, ओके। आप क्या कर सकते हो, आप यहां पे आप अपने अकॉर्डिंग इन इंस्टांसिस को क्या कर सकते हो, कॉन्फिगर कर सकते हो, इंस्टांसिस को मॉडिफाई कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। हम लोग क्या करेंगे अभी, हम लोग देखो, हम लोग यहां पे लोड बैलेंसिंग भी परफॉर्म करवा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट तो देखो यहां पे कोई लोड बैलेंसिंग नहीं हो रही होगी ना, जैसे ये दोनों पोर्ट थे और ये दो लिंक थे हमारे पास में, ठीक है, ये वाला पोर्ट आपका DP बन जाएगा, ये वाला पोर्ट भी DP, RP एंड ब्लॉक, ये वाला पोर्ट 21 है और ये वाला पोर्ट 22 है। बाय डिफॉल्ट तो यहाँ पे लोड बैलेंसिंग होनी रही है, तो ये वाला पोर्ट जो है वो इंस्टांस जीरो के लिए क्या बन जाएगा, RP, और ये वाला पोर्ट इंस्टांस जीरो के लिए क्या हो जाएगा, ब्लॉक, मतलब फॉर ऑल VLAN ये वाला पोर्ट RP, फॉर ऑल VLAN ये वाला पोर्ट ब्लॉकिंग स्टेट में, मतलब जितने भी VLANs हैं, VLAN 1 टू 100 सभी VLANs का डेटा जो मूव कर रहा होगा वो कौन से पोर्ट से मूव कर रहा होगा, पोर्ट नंबर 21 से मूव कर रहा होगा, बात आ रही है ना इतनी समझ में, ओके। हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे लोड बैलेंसिंग अचीव कर सकते हैं, और लोड बैलेंसिंग अचीव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, इंस्टांसेस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इंस्टांसेस बना सकते हैं। लेट्स सपोज दो स्विचेस आई है हमारे पास में, स्विच वन एंड स्विच टू, ठीक है, पोर्ट नंबर 21 एंड पोर्ट नंबर 22, नंबर ऑफ VLAN कितने हैं यहाँ पे, 1 to 100, और नंबर ऑफ VLAN यहां पे भी कितने हैं, VLAN 1 to 100। बाय डिफॉल्ट एक ही इंस्टांस बना हुआ था, दैट इज इंस्टांस जीरो, और इसमें VLAN कौन कौन से मैप थे, 1 to 409, और स्विच टू पे भी ऐसा ही था। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पे और भी इंस्टांसेस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, मैं एक और इंस्टांस मैंने बनाया, इंस्टांस नंबर क्या दे दिया, 1, और मैंने इसमें VLAN कौन से मैप करवा लिए, मैंने VLAN मैप करवा लिए 51 to 100। सेम इंस्टांस आप क्या करोगे, स्विच
टू पे कॉन्फिगर करोगे और सेम विलन आप उसमें भी क्या करवा दोगे, मैप करवा दोगे। अब नंबर ऑफ इंस्टांसेस कितने बने हुए हैं यहाँ पे, दो। बीपीडीयूज कितने जनरेट होंगे, कितने जनरेट होंगे, बीपीडीयू जनरेट होंगे एक, कितने एक। एमएसटीपी क्या करता है, एमएसटीपी फॉर ऑल इंस्टांसेस एक सिंगल बीपीडीयू जनरेट कर रहा होगा, एक ही बीपीडीयू में सभी इंस्टांसेस की इंफॉर्मेशन भेज रहा होगा। बात करेंगे बीपीडीयू के बारे में, बीपीडीयू में सभी इंस्टांसेस की इंफॉर्मेशन कैसे वो कैरी करता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी इस पार्ट को स्किप करते हैं, बट अभी होगा क्या, स्विच वन पे लेट्स सपोज प्रायोरिटी कितनी है, इसकी प्रायोरिटी है 32768। स्विच टू पे भी कितनी है, 32768। इसका मैक एड्रेस क्या है, 0A, और इसका मैक एड्रेस क्या है, 0B। तो इंस्टांस जीरो की एक ब्रिज आईडी बनेगी, इंस्टांस जीरो की ब्रिज आईडी क्या रहेगी बताना मुझे, 32768। मैं काम करता हूं, मैं इसको कॉपी करता हूं, दोनों को मैं यहां पे पेस्ट करता हूं। इंस्टांस जीरो की ब्रिज आईडी क्या बनेगी, स्विच वन की अगर मैं बात करूं तो 32768 प्लस, अब इसमें VLAN, अब देखो यहां पे इंस्टांसेस जो बनेंगी वो VLANs के अकॉर्डिंग नहीं बनेंगी, इंस्टांसेस हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाएंगे। हम लोग कोई भी नंबर दे सकते हैं इंस्टांसेस को, बात करेंगे क्या नंबर आप असाइन कर सकते हैं इंस्टांसेस को, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, जैसे VLAN आईडी प्रायोरिटी में क्या होती थी, चेंज होती, सॉरी ऐड होती थी, जो भी आपने प्रायोरिटी डिफाइन करी है उसमें क्या करता था, वो VLAN नंबर क्या करता था, एक ऐड करता था ना, एक वहां पे सिस्टम आईडी एक्सटेंशन का एक ऑप्शन था वहां पे, है ना, वो सिस्टम आईडी क्या करता था, VLAN नंबर क्या करता था, उसमें ऐड करता था। यहां पे क्या ऐड होगा, यहां पे ऐड होगा इंस्टांस नंबर, तो इंस्टांस नंबर क्या ऐड होगा इसमें, जीरो। तो इसकी प्रायोरिटी वही रहेगी 32768 प्लस 0A। इंस्टांस टू की ब्रिज आईडी क्या बनेगी, 32768। अब इसमें क्या नंबर ऐड कर देगा, ये इंस्टांस नंबर ऐड करेगा, जो भी आपने इंस्टांस नंबर दिया है, तो इसकी ब्रिज आईडी क्या बन जाएगी, 32769 प्लस 0A। ये इन दोनों इंस्टांसिस की बनेगी ब्रिज आईडीज, और ब्रिज आईडी दोनों की क्या हो गई, यूनिक हो गई, इन दोनों इंस्टांसिस की ब्रिज आईडी क्या हो गई, यूनिक। और ऐसे ही स्विच टू पे होगा, स्विच टू पे ब्रिज आईडी क्या बनेगी इंस्टांस जीरो की, 32768 प्लस 0B, और इंस्टांस वन की ब्रिज आईडी क्या बनेगी, 32769 प्लस 0B। ऐसा ही होगा ना, इतनी बात समझ में आ गई। अब होगा क्या, यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टांसेस कितने बने हुए हैं, दो, बट ये जो बीपीडीयू भेजेगा वो अलग अलग इंस्टांसेस के लिए अलग अलग बीपीडीयू जनरेट नहीं करेगा, ये सिंगल बीपीडीयू भेजेगा और उसी एक सिंगल बीपीडीयू में दोनों इंस्टांसेस की इंफॉर्मेशन जाएगी, वो हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे इंफॉर्मेशन जाएगी, ठीक है। अब देखो जैसे ही दोनों स्विचेस अप आएंगे, दोनों स्विचेस अप आते ही दोनों स्विचेस अपने आप को एज ए रूट ब्रिज अनाउंस कर रहे होंगे ना, तो ये भी क्या करेगा, इन दोनों इंस्टांसेस के लिए एक अपना बीपीडीयू भेजेगा और इन दोनों इंस्टांसेस के लिए क्या भेज रहा होगा, अपना एक बीपीडीयू, और उस बीपीडीयू में दोनों इंस्टांसेस की ब्रिज आईडीज भी जारी होंगी, दोनों इंस्टांसेस की इंफॉर्मेशन जारी होगी। इंस्टांस जीरो की ब्रिज आईडी क्या जारी होगी, 32768 प्लस 0A, और इस बीपीडीयू के अंदर इंस्टांस टू वन की ब्रिज आईडी क्या जारी होगी, 32769 प्लस 0A, है ना, ये जो एक सिंगल बीपीडीयू जा रहा होगा ऐसे स्विच टू भेज रहा होगा। अब रूट ब्रिज कौन बनेगा इन दोनों इंस्टांसेस के लिए, रूट ब्रिज कौन सा बनेगा, सुपीरियर बीपीडीयू किसको, इसको रिसीव होगा, स्विच टू को रिसीव होगा सुपीरियर बीपीडीयू ना, तो स्विच टू इवन इंस्टांस जीरो के लिए भी और इंस्टांस वन के लिए भी सुपीरियर बीपीडीयू किसको रिसीव होगा, स्विच टू को रिसीव होगा, क्योंकि दोनों इंस्टांसेस के लिए ब्रिज आईडी लोअर किस में आई है, स्विच वन के बीपीडीयू में आ रही है, तो स्विच टू अपने आप को रूट ब्रिज इन्फॉर्म करना क्या कर देगा, अनाउंस करना क्या कर देगा, बंद कर देगा, ठीक है। और इसके ये दोनों पोर्ट तो डीपी ही रहेंगे, इसका ये वाला पोर्ट क्या बन जाएगा, रूट पोर्ट, और ये वाला पोर्ट क्या हो जाएगा, इसका डिस्कार्डिंग स्टेट में चला जाएगा, ब्लॉकिंग स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। अभी हो क्या रहा है, अब ये वाला पोर्ट आपका क्या बनेगा,
रूट पोर्ट बनेगा फॉर फॉर विच विलन, फॉर 1 to 100। अभी तो सभी का डेटा इसी वाले लिंक से कैरी कर रहा होगा। अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे, मैं यहां पे इंस्टांस जीरो के लिए, यहां पे कॉस्ट कितनी होती है, अब देखो अगर मैं कॉस्ट की बात करूं ना, अब जो एमएसटीपी के अंदर क्या होता है, एमएसटीपी जो है वो कॉस्ट जो यूज करता है वो 32-bit कॉस्ट यूज कर रहा होता है लॉन्ग वाली। देखो बाय डिफॉल्ट स्विचेस पे आरएसटीपी और एसटीपी क्या यूज कर रहे थे, शॉर्ट कॉस्ट यूज कर रहे थे जो आपकी 16-bit की थी, बट एमएसटीपी बाय डिफॉल्ट जो कॉस्ट यूज कर रहा होता है वो क्या यूज कर रहा होता है, 32-bit कॉस्ट यूज कर रहा होता है। तो फास्ट इथरनेट लिंक पे जो कॉस्ट होती है वो बाय डिफॉल्ट कितनी होती है, 200,000 होती है ना बाय डिफॉल्ट, अरे इतनी होती है, हाँ हाँ वही। तो इस पे भी वही रहेगी कॉस्ट दोनों लिंक्स के ऊपर। अब इस पोर्ट पे बीपीडीयू रिसीव हुआ है, दोनों पोर्ट पे एक सिंगल बीपीडीयू आएगा दोनों पोर्ट पे। जैसे ही बीपीडीयू रिसीव होगा अब होगा क्या, उस बीपीडीयू में दोनों इंस्टांसेस की इंफॉर्मेशन आ रही है, इंस्टांस जीरो की भी और इंस्टांस वन की भी। तो अब आरपी पोर्ट कौन सा बनेगा दोनों इंस्टांसेस के लिए, देखो पहले वो क्या चेक करेगा उस बीपीडीयू में जो रूट ब्रिज आईडी लग के आ रही है वो क्या लग, अरे सुपीरियर बीपीडीयू कौन सा कैसे डिसाइड होगा, सबसे पहले रूट ब्रिज आईडी चेक करेगा, रूट ब्रिज आईडी दोनों इंस्टेंसेस में क्या होगी सेम, फिर उसके बाद में दोनों बीपीडीयू में क्या होगी, जो इस वाले पोर्ट पे आ रहा है जो इस वाले पोर्ट पे आ रहा है सेम आ रही होगी। देन उसके बाद में वो क्या कंपेयर करेगा, रूट पाथ कॉस्ट, क्या चेक करेगा रूट पाथ कॉस्ट। इस वाले पोर्ट पे जो बीपीडीयू आ रहा है कॉस्ट कितनी आ रही है, 200,000 आ रही है और इस पे भी सेम ही आ रही है, तो कॉस्ट के बेसिस पे डिसाइड नहीं कर पाएगा। देन वो क्या कंपेयर करेगा, सेंडर ब्रिज आईडी भी सेम आ रही होगी, देन वो क्या कंपेयर करेगा सेंडर पोर्ट आईडी, सेंटर बढ़ा देता हूं, मैंने कॉस्ट क्या कर दी इस वाले लिंक पे बढ़ा दी। तो अब यहां पे जो बीपीडीयू आ रहा है उस बीपीडीयू में इंस्टांस वन के लिए इस वाले पोर्ट पे कॉस्ट कितनी आ रही है, 21 पे ज्यादा आ रही होगी और 22 भी क्या आ रही होगी, कम आ रही होगी। तो ये वाला पोर्ट क्या बन जाएगा, रूट पोर्ट फॉर विच वीलन फॉर इंस्टेंस वन, और इंस्टेंस वन के अंदर कौन कौन से वीलन मैप्ड है, 51 to 100। तो 51 to 100 ये वाला पोर्ट क्या बन जाएगा, आरपी, और ये वाला पोर्ट ब्लॉक हो जाएगा फॉर विच वीलन, 51 to 100। समझ में आ रही है ना बात, और ये वाला पोर्ट आरपी फॉर 1 to 150 एंड दिस पोर्ट विल बी ब्लॉक्ड फॉर 1 to 50। समझ में आ गई बात। तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, आप यहां पे लोड बैलेंसिंग भी अचीव कर सकते हो, और नंबर ऑफ बीपीडीयू कितने जनरेट हो रहे हैं, एक सिंगल बीपीडीयू जनरेट हो रहा है फॉर ऑल इंस्टांसेस, तो सीपीयू यूटिलाइजेशन भी नहीं होगी, सीपीयू यूटिलाइजेशन भी नहीं होगी, लिंक पे कंजेशन भी नहीं होगा, और आप लोड बैलेंसिंग भी क्या करवा पा रहे हो, यहां पे परफॉर्म करवा पा रहे हो, लोड बैलेंसिंग भी आप यहां पे क्या कर पाओगे, अचीव कर पाओगे। इतनी चीज समझ में आ गई, ओके। अब इसमें कुछ और चीजें हैं जो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, बात करेंगे ये इंफॉर्मेशन कैसे जारी होती है बीपीडीयू में, मल्टीपल इंस्टांसेस की इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। इसी में मेंशन करना, इट्स कन्वर्जेंस is same as RSTP, जो कन्वर्जेंस प्रोसेस है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी RSTP की, जो टोपोलॉजी को कन्वर्ज करता है ना वो सारी वो कन्वर्जन सेम रहेगी, और जो रूट ब्रिज इलेक्शन है, रूट पोर्ट इलेक्शन है, डीपी पोर्ट इलेक्शन, वो भी सारे क्या रहेंगे, सेम। पोर्ट रोल जो थे आपके, पोर्ट रोल्स जो थे किसमें, आरएसटीपी में, सेम यहां पे मिलेंगे। पोर्ट स्टेट्स यही जो आरएसटीपी में थी वही रहेंगे सारे। समझ में आ रही है ना बात, तो यहां पे आप मेंशन कर लो रूट ब्रिज इलेक्शन, या फिर आप लिखो इलेक्शन ऑफ रूट ब्रिज
रूट पोर्ट एंड डेजिग्नेटेड पोर्ट सेम एज STP एंड RSTP. RSTP में इलेक्शन क्राइटेरिया था वो कौन सा था, STP वाला ही था ना, समझ में आ रही है ना बात, तो वो सेम रहेगा. रूट ब्रिज कौन सा बनेगा आप लोगों को बताइए, अब मैं इलेक्शन दोबारा नहीं बताऊंगा. रूट पोर्ट की इलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, डीपी पोर्ट का इलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, इतनी चीज क्लियर है. और जो कन्वर्जेंस है ना वो भी सेम ही है, वो एग्रीमेंट वगैरह वो सब कुछ सेम रहेगा जो आरएसटीपी के अंदर था. जैसे ही कोई पोर्ट पे सुपीरियर बीपीडीयू रिसीव होगा वो पोर्ट क्या भेज देगा, आरपी बना के एग्रीमेंट, वो दोनों पोर्ट इमीडिएटली किस में आ जाएंगे, फॉरवर्डिंग स्टेट में, ठीक है, क्लियर है इतनी चीज. ओके इसमें लिख लेना जनरेट सिंगल बीपीडीयू फॉर ऑल इंस्टांसेस, ये सभी इंस्टांसेस के लिए एक सिंगल बीपीडीयू जनरेट कर रहा होता है, ठीक है, इतनी चीज क्लियर है. वी कैन क्रिएट मल्टीपल इंस्टांसेस, हम लोग यहां पे मल्टीपल इंस्टांसेस क्रिएट कर सकते हैं. और मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इंस्टांसेस क्रिएट कर सकते हैं आप, 16 आप कर सकते हो, जो आपका प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करता है ये, ठीक है. अगर मैं रेंज की बात करूं 29 कौन सा 50 पे, तो आप एमएससीपी के जो इंस्टांसेस बना सकते थे कितने बना सकते थे, रेंज जो रहेगी, रेंज किसकी, जो आप इंस्टांस जो नंबर दे सकते हो, नंबर क्या दे सकते हो, 0 to 15, कितने रख सकते हो, 0 to 15. बट अगर आपके पास में स्विचेस कौन से हैं, 3550 3750 3850 के अंदर आप जो यूज कर सकते हो रेंज, इंस्टांस नंबर की बात करूं मैं, यूज कर सकता हूं 0 to 4095, इनमें से कोई भी नंबर आप यूज कर सकते हो. ये मैं बात कर रहा हूं जो इंस्टांस जो आप नंबर दे रहे हो, जैसे बाय डिफॉल्ट इंस्टांस नंबर क्या था, 0. मैं एक और इंस्टांस बनाता हूं उसको 1 दे रहा हूं, 2 दे रहा हूं, 3 दे रहा हूं, तो आप इनमें से कोई भी रेंज में रख सकते हो. और जो ये प्लेटफॉर्म के जो डिवाइसेज है ना हमारे, इन डिवाइसेज के अंदर आप मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इंस्टांसेस बना सकते हो वो, एक तो आप 0 तो बाय डिफॉल्ट बना ही होता है, 0 तो बाय डिफॉल्ट बना होता है, इसके अलावा आप कितने बना सकते हो, 64 इंस्टांसेस और बना सकते हो. कितने इंस्टांसेस बना सकते हो, 64 टोटल कितने हो गए, 65 इंस्टांसेस हो गए. बात आ गई समझ में, नंबर ऑफ, देखो ये तो रेंज है कि इनमें से आप नंबर डिफाइन कर सकते हो. अब ऑब्वियस ही बात है, इस वाले स्विच पे इतने ही नंबर डिफाइन कर सकते हो, तो इतने ही क्या बनेंगे यहां पे इंस्टांसेस बनेंगे. बट जो मेरे पास में स्विचेस है या 3850 सीरीज के जो स्विचेस हैं उनके अंदर आप जो रेंज है आपके पास में इंस्टांसेस की, वो आप 0 to 4095 कोई भी नंबर इंस्टांस को दे सकते हो. बट आप मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टांसेस सपोर्ट कितने करते हैं, ये एक तो 0 बाय डिफॉल्ट बना हुआ है और 64 आप कोई भी इंस्टांस बना सकते हो, नंबर उनको कोई भी तो चलेगा, बट नंबर इसी के बीच में से रखोगे आप, इतनी चीज क्लियर है. और एक सिंगल बीपीडीयू जो है ना, सिंगल बीपीडीयू के अंदर अब जो बीपीडीयू मैसेज होगा उसका मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है, अरे जो फ्रेम होगा बीपीडीयू का उसका साइज कितना होगा, 1500 बाइट होता है ना कंप्लीट साइज उसका, तो उसके अंदर जो कितने नंबर ऑफ इंस्टांसेस कैरी कर सकता है, वो 88 इंस्टांसेस कैरी कर सकता है एक सिंगल बीपीडीयू में. बट इतने तो आप बना ही नहीं सकते,
अगर मैं साइज की बात करूं ना BPDU के मैसेज का जो साइज होता है 1500 बाइट का जो टोटल साइज रहेगा इथरनेट हेडर वगैरह कम ऐड करने के बाद में जो साइज होता है वो कितना होगा 1500 बाइट रहेगा। तो उस 1500 बाइट के अंदर जो नंबर ऑफ इंस्टेंसेस एक सिंगल BPDU में मैंने क्या बताया एक सिंगल BPDU में मल्टीपल इंस्टेंसेस की इंफॉर्मेशन क्या करेगा वो एक ही BPDU में मल्टीपल इंस्टेंसेस की इंफॉर्मेशन क्या कर रहा होगा कैरी कर रहा होगा। जितने नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हो गए उतने नंबर ऑफ BPDUs नहीं बनेंगे यहाँ पे BPDUs कितने जनरेट होंगे एक खाली एक BPDU और उसी BPDU में सभी इंस्टेंसेस की इंफॉर्मेशन जारी होगी और एक जो आपका BPDU रहेगा उसमें मैक्सिमम जो इंस्टेंसेस की इंफॉर्मेशन आ सकती है कितनी आ सकती है 88 बट हम लोग बनाएंगे कितने 65 मैक्सिमम हो सकते हैं जीरो एंड टोटल और आप जो अपने अकॉर्डिंग जो आप यूज कर सकते हो बना सकते हो 64 मतलब कितने मैक्सिमम इंस्टेंसेस की इंफॉर्मेशन जाएगी 65 इंस्टेंसेस की इंफॉर्मेशन ही जारी होगी उसके अंदर। बात आ गई समझ में कितनी चीज क्लियर है ओके अब इसमें ना MSTP के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं MST एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट्स क्या है जैसे VTP के अंदर होते थे ना VTP डोमेन नेम रिवीजन नंबर है ना ऐसा कुछ होता था ना वैसे MSTP के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जैसे यहां पे एक होता है MSTP नेम MSTP नेम रहता है कितने बिट का होता है कितने करेक्टर का होता है 32 करेक्टर का ठीक है। एक होता है यहां पे रिवीजन नंबर जैसे VTP के अंदर रिवीजन नंबर होता था ना वैसे MSTP में भी क्या एक रिवीजन नंबर है वहां पे रिवीजन नंबर में ऑटोमेटिकली क्या होता था जब भी आप VLAN डेटाबेस में कुछ भी चेंजेस करते थे तो वहां पे रिवीजन नंबर में क्या होता था इंक्रीमेंट होता था बाय वन यहां पे कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा ऑटोमेटिकली। रिवीजन नंबर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे रिवीजन नंबर का यूज क्या होता है यहां पे ठीक है और रिवीजन नंबर कितने बिट का होता है कितने बिट का था अरे तुम्हें लिखाया था ना 32 बिट का था क्या कितने बिट का था नहीं 32 बिट का नहीं था चलो देख लेंगे ठीक है। तो एक इसमें रिवीजन नंबर रहेगा और नंबर ऑफ इंस्टेंस एंड मैप्ड VLAN ये क्या होते हैं MSTP के कुछ एट्रीब्यूट्स रहते हैं ठीक है। कितनी चीज क्लियर है देखो ये एट्रीब्यूट जिन जिन स्विचेस पे सेम रहेंगे देखो नॉर्मली क्या होता है VTP पढ़ा था हम लोगों ने VTP में हम लोगों ने ना दो डोमेन के बारे में डिस्कस किया था याद है कुछ स्विचेस को एक अलग डोमेन में रख लिया था कुछ स्विचेस को एक अलग VTP डोमेन में रख लिया था ना और वो VLAN की इंफॉर्मेशन एक ही डोमेन में क्या हो पा रही थी प्रोपोगेट हो पा रही थी दूसरे डोमेन में नहीं जा पा रही थी ना वैसे हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे MSTP के अंदर हम लोग अलग अलग डोमेन बना सकते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं रीजन बोलते हैं क्या बोलते हैं रीजन बोलते हैं। और लेट्स सपोज मेरे पास में यहां पे स्विच वन है एक स्विच टू है दो स्विचेस हैं इन स्विचेस पे मैं क्या करूंगा MSTP का एक नेम कॉन्फ़िगर करूंगा बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है देखो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है इनकी नेम क्या होता है बाय डिफॉल्ट नल होता है ब्लैंक होता है और रिवीजन नंबर क्या होता है इनका बाय डिफॉल्ट जीरो होता है और इंस्टेंस कितने कॉन्फ़िगर्ड होते हैं एक ही इंस्टेंस कॉन्फ़िगर्ड होता है जीरो और जितने भी VLANs हैं वो इसी इंस्टेंस में क्या होते हैं मैप्ड होते हैं
और सेम आपको इंफॉर्मेशन यहां पे देखने को मिलेगी। अब इन सभी स्विचेस पे नेम क्या है, सेम है, नल है, ब्लैंक है, रिवीजन नंबर भी क्या है, इन सभी स्विचेस पे सेम है और नंबर ऑफ इंस्टांसेस सेम है और उनमें मैप्ड विलन भी क्या है, सेम है। तो ये जितने ये दोनों स्विचेस जो है ना, ये एक इंट्रा रीजन रहेगा इनका, ये क्या रहेगा, एमएसटीपी का एक सिंगल इंट्रा रीजन, एक आपका एक इंट्रा रीजन एमएसटीपी है। स्विचेस पे ये इंफॉर्मेशन जिन जिन स्विचेस पे सेम रहेगी वो सारे के सारे एक इंट्रा रीजन में रहेंगे तुम्हारे, समझ में आ गई बात। अगर इन एक और स्विच है उस पर अगर नेम चेंज हो गया तो एक अलग रीजन में चला जाएगा, समझ में आ रही है बात। मैंने अगर नेम भी क्या कर दिया, चेंज कर दिया, या फिर रिवीजन नंबर में क्या हो गया, चेंज हो गया, तो वो एक अलग रीजन में आ जाएगा, या फिर नंबर ऑफ इंस्टेंसेस में कुछ चेंज हो गया, लाइक एक और स्विच अटैच्ड है, मैंने उस पर एक और इंस्टेंस बना लिया, इंस्टेंस बना और उसमें कुछ विलन मैप करवा दी, तो वो एक अलग रीजन में चला जाएगा, समझ में आ रही है ना बात। अभी हम लोग यहां पे जो डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ इंट्रा रीजन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब आप दो रीजन के बीच में कम्युनिकेशन करवाओगे, जब दो रीजन के बीच में जब एमएससीपी चल रहा होता है, दो अलग अलग रीजन है वहां पे, जब आप एमएससीपी चलाओगे उसको बोलते हैं इंटर रीजन एमएससीपी, तो बात करेंगे उसके बारे में भी हम लोग, ठीक है। पहले हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या डिस्कस करने वाले हैं, इंट्रा रीजन एमएससीपी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और इंट्रा रीजन एमएससीपी कौन सा रहेगा, जिन पे जिन सभी पे ये जो एट्रीब्यूट है वो एमएससीपी एट्रीब्यूट है वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, नेम, रिवीजन नंबर एंड इंस्टेंसेस और उनमें मैप्ड विलन वो क्या होने चाहिए, सेम, मींस वो सारे के सारे स्विचेस एक ही एक इंट्रा रीजन एमएससीपी के अंदर है। बात आगे समझ में, इतनी चीज क्लियर है, ओके।